गाइस वेलकम टू माय न्यू वीडियो अर्पित के ब्लॉग्स में स्वागत है एक और नए वीडियो के साथ। सो गाइस आज का ब्लॉग काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। जैसे कि मैं बता दूं, अगर आप कोई एरिया में रहते हैं तो जहां की आपको प्रचलित मंदिर होती है तो वहां के आप जाते हैं, बहुत ज़्यादा प्रचलित होती है अपने अपने एरिया में। वैसे ही हमारे एरिया में एक बहुत ज़्यादा प्रचलित मंदिर है, उसका नाम है जय माँ बागचंडी। बागचंडी मंदिर है जो कि काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है हमारे एरिया में, सारी मनोकामना उसमें पूरी होती है। हमारे एरिया से कम 15 किलोमीटर दूरी में है। तो आज मैं सारी डिटेल्स उसका देने वाला हूं, और मेरे चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो गाइस जैसे के लिए आप यहां देख सकते हैं, ये मेन चौक है। तो मेन चौक से आपको बायां लेना है बागचंडी के लिए। ये मेन चौक आपको यहाँ से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी में है। पे आप देख सकते हैं यहाँ एक अच्छा पूरा मंदिर, यहाँ दुर्गा माँ का एक बन रहा है जो कि काफ़ी बेहतर यहाँ डेवलपमेंट हो रही है। और ये है गाइस हमारे एरिया की जवाहर नवोदय विद्यालय सिमडेगा के, तो सिमडेगा जिला में ये आती है, हमारे एरिया में ही है। हम मंदिर पहुंच चुके हैं, ये छोटी सी मंदिर देख रहे हैं, यही है हमारे बागचंडी माँ का मंदिर। बागचंडी पहुंच चुका हूं, तो यही है काल्हा टोली पे ये पड़ता है एक गांव है। यहां पे देखिए ये जो देख रहे हैं, यही है हमारा बागचंडी माँ का मंदिर जहां की सब मनोकामना पूरी होती है, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहां पूजा करने के लिए आते हैं। काफ़ी प्रचलित ये मंदिर है हमारे एरिया में, जैसे कि आपके एरिया में भी होंगे कोई कुछ ना कोई मंदिर, ऐसे ही हमारे एरिया में जय माँ बागचंडी की बहुत प्रचलित है। बहुत दूर दूर से आदमी यहाँ आते हैं पूजा करने के लिए, जैसे कि आप यहाँ मंदिर देख सकते हैं। चारों तरफ की हम बात करें, ये जो आप शेड देख रहे हैं, यहाँ पे कीर्तन वगैरह होता है उसका शेड यहाँ बना हुआ है। और यहाँ पे जैसे कि देख सकते हैं कोई गाड़ी लिया तो उसी का पूजा करवा रहा है, बाकी यही है। और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं गाँव पे छोटा सा एक दुकान है जहाँ की पूजा की सामग्री वगैरह मिलती है, और वहाँ पर पानी वगैरह का व्यवस्था किया गया जो कि काफ़ी बेहतर। ये रोड के किनारे ये जो रोड जाता है, ये बानो रोड चला जाता है, वो रोड में ये पड़ता है। कोलीबीरा से लगभग ये 15 किलोमीटर की दूरी में है। आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और साथ ही साथ आप चैनल में अगर आप नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा। तो गाइज आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू गाइज, बाय।